शेफाली दोस्तों एक टूल के अंदर एक बहुत ही कमाल की अपडेट आई हुई है और ये अपडेट आया है मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने से रिलेटेड। मतलब जो काम पुलिस कर सकती थी वो काम आप खुद भी कर सकते हो, ये टूल ऐसा अपडेट दिया है। और एक्चुअली ये जो काम होगा IMEI नंबर के ऊपर होगा। आपको पता होगा कि जो भी हम फोन का लोकेशन वगैरह ट्रेस करते हैं वो IMEI नंबर से होता है। अगर आपके पास IMEI नंबर है, बिल वगैरह है, तो पहले एक प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये टूल काम करता है और कैसे इससे आप लोकेशन वगैरह ट्रेस कर सकते हैं, जो कि काम पहले पुलिस करती थी, किसी के पास ऑथोराइजेशन नहीं था। तो अभी फिलहाल स्टार्टिंग स्टेज में तो कुछ कुछ मॉडलों में सपोर्टेड है, कुछ कुछ में नहीं है। तो सारी चीज डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज की पुलिस का क्या वेरिफिकेशन है। जैसे मान के चलिए कि आपका कोई फोन खो गया, तो उसमें होता क्या है कि जब भी आप उसमें फोन खो जाता है तो आप क्या है पुलिस में कंप्लेन कराते हो। कंप्लेन कराने में आपको वहां बिल डब्बा और बॉक्स देना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा हाँ आपका जेन्युइन फोन है। आपने बिल बॉक्स दिया, सबसे मेन होता है उसका डब्बा, क्योंकि बिल तो आप कहीं से बनवा भी सकते हो। तो डब्बा आपके पास है, आप कंप्लेन कर दी, कंप्लेन के बाद उसमें IMEI नंबर को अपने सर्वर पर डाल देंगे। तो जब भी वो फोन अभी के डेट में खास तौर पे क्या होता है कि आपने जैसे कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन के बाद से क्या होता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है फोन ढूंढने में। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्होंने तो अपने सर्वर पे डाल रखा है, साइबर क्राइम वाले उनके सर्वर पे एक्टिवेटेड है। अब क्या होता है कि डेली बेसिस पे लोग चेक करते रहते हैं, जैसे ही किसी ने उसमें जिसने भी फोन चुराया फिर कहीं गिर गया वो फोन लिए, जैसे ही वो फोन अपने पास रखे हैं उन्होंने सोचा 1 महीना रख देता हूँ बाद में चालू करूंगा, तो 1 महीने बाद वो चालू किए और जैसे ही अपना उसमें सिम डालेंगे तुरंत ट्रेसिंग के दौरान पुलिस के पास उनका नंबर एक्टिवेटेड पहुंच जाएगा, ये नंबर इस फोन के अंदर डला हुआ है, लोकेशन नहीं पता चलेगा, ये पता चल जाएगा कि ये डला हुआ है। तो ये चीज हो गया, कौन से जगह से डला हुआ है यहां तक ये भी पता चलेगा, एक तरह से लोकेशन भी मान लीजिए पता चल जाएगा इस जगह पे ये सिम डला हुआ है। उसके बाद से वो डायरेक्टली उस फोन पे कॉल करके बता सकते हैं कि आपका ये जो फोन है ये चोरी का है, आपने सिम डाला था, आप ही के पास फोन होगा। अब वो बंदे को जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन और पुलिस का फोन आ गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो पुलिस को सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो इस तरीके से एक तरह से पुलिस फाइंड करती है, जिसमें थाने के अंदर जो होता है वहां पे एक नॉर्मल सा होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ यही पता चलता है नंबर कौन सा क्या है। अगर एकदम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कराना है कि कौन से जगह पे फोन है, अभी कहाँ है, वो सारी चीजें आपको ट्रेसिंग करनी है सिम की, कि सिम के अंदर कहाँ है, तो वो मेन आपका जो आपके एरिया का SP ऑफिस होता है, जहाँ पे मेन हेड ब्रांच होता है, वहां पे साइबर क्राइम, जहाँ मेन साइबर टेस्टिंग होता है, वहां पे आपका सारा लोकेशन पता चलता है सिम का, कि आप सिम जो यूज कर रहे हो वो लोकेशन कहाँ अभी यूज हो रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए कुल मिला जुला के तो आपका जो फोन है उसका लोकेशन और वो सिम डाले हैं वो इतना छोटा मोटा डिटेल उनके पास पता चल जाएगा थाने के अंदर, जहाँ पे आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि इसमें IMEI नंबर से आपने ट्रेसिंग किया, उसमें आपको ये पता चल जाएगा इसमें कौन सा सिम डाला है, कौन सी जगह पर उन्होंने सिम कब डाला था चालू करके फोन को। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता करना है कि अब वो सिम उन्होंने मान लीजिए निकाल के फिर वापस किसी फोन में डाल दिया कहीं भी यूज करने लगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन उस सिम का कहाँ कहाँ है वो सारी चीजें मेन साइबर क्राइम में वहां पता चलती है। तो ये सारी चीजें अब तक हो रही थी पुलिस के द्वारा, लेकिन इतना कुछ आप नहीं कर सकते हो, बट आपकी लिमिटेशन है हर चीज में। उस सारी चीजों को डिटेल में हम बताएंगे, हो सकता है कि अभी ये छोटा सा स्टार्टिंग फेज हो तो आगे चल के इसमें अपग्रेड के बाद और भी बहुत कुछ आ जाए। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं और अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ क्या चीजें है। तो जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया कि पुलिस का क्या काम है, किस तरीके से उनका फोन ट्रेसिंग का प्रोसीजर होता है, अभी हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो अपडेट आया है वो किस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट आया है चीता टूल प्रो के अंदर और ये टूल अभी के डेट में काफी ज्यादा बैक टू बैक अपडेट दे रहा है और इसके अंदर इतने ज्यादा मॉडल सपोर्टेड हैं। हालांकि हमारे इंडिया के से रिलेटेड कितने हैं नहीं पता, बट इतने सारे फोन है कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे। कुल मिला जुला के अनलॉक टूल का भी कुछ टाइम पहले अपडेट बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन अभी तो ऐसा है कि अनलॉक टूल महीनों महीनों कभी कभी अपडेट ही नहीं दे रहा है। तो अभी के डेट में चीता टूल भी काफी अच्छा चल रहा है। अब एक तरह से मैं एकदम से ये बोल दूं चीता टूल बेस्ट है तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि चीता टूल आज चल रहा है बेस्ट कॉल को फिर पता चले ये भी ठप्पे हो जाए, मतलब बंद बस्ते में चला जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी के डेट में कुछ महीने से मैं देख रहा हूँ चीता टूल बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। तो अभी इनका अपडेट क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर देखेंगे तो एड चेक्स फाइंड माई डिवाइस आईफोन IMEI फ्री ऑल यूजर्स, यानी कि ये जो चीज है फ्री कर दिया गया है सभी यूजर्स के लिए। अगर आपके पास चीता प्रो टूल है तो आप सिंपल सा फाइंड माई डिवाइस, अगर आपके आईफोन का ऑन है, हालांकि वो तो ऑन रहता ही रहता है, ज्यादातर लोग ऑन करके ही रखते हैं सभी लोग, तो फाइंड माई डिवाइस ऑन है तो आप सिंपल सा उसका IMEI नंबर आपके पास है, आप ट्रेस कर सकते हैं वो फोन कब कहाँ पे यूज हो रहा है, सिंपल सा, बस उसमें फाइंड माई डिवाइस ऑन होना चाहिए। और जैसे ही वो फोन वाईफाई से कनेक्टेड में आए या फिर किसी फोन उसमें सिम डाला जाए नेटवर्क कनेक्टेड हो तुरंत पता चल जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे एक इन्होंने ऐड किया है कि सैमसंग फोन का IMEI नंबर के जरिए आप सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं, इसमें आप ट्रेसिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका IMEI नंबर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा वर्जन चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सैमसंग का फोन आया
वो सैमसंग फोन एकदम डेड है कंडीशन में, फिर कुछ भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ ग्लिच है, आपके पास उसका बॉक्स पड़ा हुआ है, आप सिंपल सा स्माइल में ही नंबर डालोगे तो पूरा डिटेल दे देगा कि ये कौन सा मॉडल है, इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, मतलब वर्जन कौन सा चल रहा है, बिट्स कौन सा चल रहा है, तो उससे आपको एक ईजी हो जाएगा कि आप फोन को फ्लैशिंग वगैरह चाहे कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक करके देख सकते हो। तो ये इन्होंने दूसरा अपडेट दिया है, तो ये दो अपडेट अभी स्टार्टिंग में चल रहा है, आने वाले समय में अगर एंड्रॉइड सैमसंग वगैरह फिर सभी चीजों में ऐसा हो जाए कि कम से कम सिर्फ इतना हमें सुविधा मिल जाए कि हम IMEI नंबर के जरिए कम से कम ये पता कर पाए कि वो फोन अभी कहाँ पे है, लास्ट लोकेशन कम से कम दिखा दे, या फिर जब भी कस्टमर उसको चालू करें, हालांकि पुलिस की जितना हमें वेरिफिकेशन जितना है उतना हमें भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये इलीगल रूप में यूज होने लगेगा, बट इतना कम से कम हमें टूल मिल जाए, एक्सेस मिल जाए कि हम लोग ये जान पाए कि हाँ वो फोन कौन सा है, तो एक तरह से पुलिस का लोड भी कम हो जाएगा और हम लोग इस टूल के जरिए सिंपल सा इतना बस बता देंगे कि हाँ ये फोन जेन्युइन कहाँ पे लोकेटेड है, और ये फोन जब भी कोई अगर एक्टिवेट कराता है सिम वगैरह डाल के चोरी का फोन, तो हम लोग बता सके। तो ये अभी फिलहाल सैमसंग के ऊपर आया है, आने वाले टाइम में देखते हैं कि सॉरी आईफोन के ऊपर आया है, आने वाले टाइम में सैमसंग या फिर अदर जो एंड्रॉइड फोन है उनके ऊपर भी आ जाए। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखेंगे तो क्वालकॉम का कुछ फोन यहाँ पे इन्होंने ऐड किया जो कि लेटेस्ट मॉडल है, सैमसंग के कुछ क्वालकॉम वाले ही मॉडल इन्होंने ऐड किया है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉडल है जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ये सारे फोन आप देख सकते हैं, एक ये फोन है, एक ये है, एक ये है, ये बहुत सारे बहुत लंबी लिस्ट है। कूल पेड एक है, नाम सुना सुना सा इंडिया में चलता है, बाकी तो ये मैंने कभी आज तक फोन देखा भी नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है। फिलहाल चीता टूल प्रो का अभी पिछले अपडेट में भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था, और बहुत सारे ऐसे ऐसे अपडेट इन्होंने दे रखा है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बताया हुआ है, काफी अच्छा अपडेट है इसलिए हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, और शायद मैंने पिछले वर्जन के बारे में भी आपको बताया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये रियलमी और आपका MT के CPU पे इन्होंने अपडेट दिया था, तो इसमें काफी सारा ये इस अपडेट के बारे में बताया था। तो इसमें क्या इन्होंने देखिए यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट वाले जो इन्फिनिक्स के फोन है जो कि आपके MediaTek CPU से रिलेटेड है उनका इन्होंने अपडेट दिया था, जो कि अभी बहुत ही कम ही टूलों में न के बराबर है, और इतने सारे मॉडल तो किसी में भी सपोर्टेड नहीं है, तो ये अभी बहुत अच्छा चल रहा है ये टूल कुल मिला जुला के, और ऑल ओवर देखा जाए तो हर तरह के फोन इसमें सपोर्टेड है। हालांकि ये टूल जो है वो अदर कंट्री में भी यूज होते हैं, इसलिए इन्होंने मिक्स में सारे ही मॉडल यहाँ पे दे रखा है। तो यही था अपडेट, अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में।